नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में होने वाले 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच 9 दिसंबर 2022 को डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड ट्रेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपेरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इंडिया वुमेन के बारे में। दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, शेफाली वर्मा, स्मृति मदाना, जेमिमा रेड्रिस, ऋचा घोष, राधा यादव इनके बैट्समैन, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर इनके ऑलराउंडर प्लेयर, रेणुका सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़, मेघना सिंह, हरलिन देओल इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके अपोनेंट टीम ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बारे में, तो दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, एलिसा हेली, बेथ मुनी, एलिस पेरी, तालिया मैकग्रा, एनोबल सदरलैंड इनके बैट्समैन, एसएल गार्डनर, ग्रेस हैरिस इनके ऑलराउंडर प्लेयर, जेस जॉनसन, अलाना किंग, मेगन सुट, डरासी ब्राउन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 24 मैच खेले गए, जिनमें से इंडिया वुमेन ने 6 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि यार ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 18 मैच जीते हैं और इंडिया वुमेन का 177 रन का हाईएस्ट स्कोर है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ, जबकि यार ऑस्ट्रेलिया वुमेन का 186 रन का हाईएस्ट स्कोर है इंडिया वुमेन के खिलाफ, और दोस्तों इंडिया वुमेन का 62 रन का लोएस्ट स्कोर है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ, जबकि यार ऑस्ट्रेलिया वुमेन का 63 रन का लोएस्ट स्कोर है इंडिया वुमेन के खिलाफ। और दोस्तों इंडिया वुमेन ने 6 में से 2 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 4 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है, जबकि यार ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 18 में से 9 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 9 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है। इंडिया वुमेन अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 4 मैचों में जीत करा रहे हैं और 1 मैच में हार करा रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 5 के 5 मैच जीत करा रहे हैं। और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 10 मैचों में से इंडिया वुमेन ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि यार ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 7 मैच जीते हैं और इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों में से ऑस्ट्रेलिया ने 5 के 5 मैच जीते हैं। देखो यार यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों ठोस की प्रिडिक्शन और दोस्तों फैंटेसी टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। दोस्तों यह मैच डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, यहाँ पर जो भी टीम ठोस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। और दोस्तों यहाँ पर अभी तक इंटरनेशनल एक भी मैच नहीं खेला गया, दोस्तों यहाँ पर IPL के मैच खेले गए हैं, जिनमें दोस्तों IPL के 37 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 17 मैच जीते हैं, जबकि यार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 20 मैच जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलरों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है और दोस्तों आपकी फैंटेसी टीम में आप सभी फास्ट बॉलर आप रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 98% फास्ट बॉलरों को विकेट मिलते हैं, जबकि स्पिनर बॉलरों को यहाँ पर 2% विकेट मिलते हैं। यहाँ का वेदर के लिए रहेगा, यहाँ पर बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और दोस्तों बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है, इसलिए दोस्तों आप बल्लेबाजों को जाते रखना आपकी फैंटेसी टीम में। और दोस्तों आज की हमारी फैंटेसी टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, तो दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर ही मैं आपको ठोस की प्रिडिक्शन देता हूं और दोस्तों मैच प्रिडिक्शन भी वहीं पर मैं आपको बताता हूं, वहीं पर मैं आपको फैंटेसी टीम और क्रिकेट की न्यूज देता हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों बात करते हैं यार मैच प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कि यार इंडिया वुमेन भी काफी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए गूगल की प्रिडिक्शन के बारे में तो दोस्तों गूगल की प्रिडिक्शन के अनुसार इंडिया वुमेन इस मैच को 48% जीत सकती है, जबकि 52% इस मैच को ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीत सकती है। लेकिन यार अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को इंडिया वुमेन ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और दोस्तों आपको पता ही यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में यार अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।